फूड होता था तो वो नहीं भी थी तो उनकी न्यूट्रिशन पूरी हो जाती थी घर exactly. हाँ। में एक बंदा कमाता था और सारे खाते थे हाँ। अब ये कि हर बंदे ने कमाना है और वो लड़के को जो 20 साल का है इक्कीस साल का उसको ये तो नहीं पता ना कि यार मैंने पढ़ना है या मैंने आपको इम्प्रूव hmm. exactly, करना है कुछ ताकि hmm. मैं अपनी चीजों को मैनेज कर

तो 80% लोगों की ये जीन्स में आता है उनके exactly. साथ खवत भी और इवन दो के मर्द Ooh. लोगों के आ, हवाले से भी तो क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई कि पता चल सके या ऐसी कोई रेमेडीस ट्रीटमेंट आए कि अगर अगर आपके डीएनए में भी आ रहा है तो आपके फादर या ग्रैंडफादर के बाल थोड़े कम थे आपके अगर गिर रहे हैं तो आप उसको पहले ही पकड़ लें बहुत अच्छा जी यू हैव आस्क्ड अ वेरी एडवांस क्वेश्चन इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो जेनेटिक जेनेटिक्स हैं उसमें हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अच्छा। है तो बालों के अंदर ना जेनेटिक फैक्टर्स उसमें हारमोन रिसेप्टर्स मौजूद हैं तो है। अब वो जो टेस्टोस्टर लेवल है उसको तो हम नहीं ऑब्वियसली कम कर सकते हाँ हैं लेकिन द पॉइंट इज कि जो टेस्टोस्टर रिसेप्टर्स हैं उनके लिए हम कुछ पैरामीटर्स कर रहे हैं उसके ऊपर रिसर्च भी चल रही है और ऑब्वियसली अगर जेनेटिक जेनेटिक टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्किंग में प्रोसेस में है तो आई वुड सजेस्ट कि इट्स इन द स्टिल इन द प्रोसेस कि उस पर वर्क करें कि जीन्स को किस तरह मॉडुलेट किया जाए ताकि वो जो हार्मोन है वो डायरेक्टली उस खास एरिया पे इफेक्ट ना करे जो डी एच आई टी के है, हमारे जो डाहाडोटेस्टोसॉन है कहते हैं उसको उस वजह से वो जो बाल है वो वीक हो जाता है लूज हो जाता है ब्लड सप्लाई उसकी कम हो जाती है अच्छा। तो उसकी न्यूट्रिशन कम होती है तभी वो बाल टाइम के साथ साथ

मैं सजेस्ट करता हूँ कि अच्छी सी सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी हैं और वो लोग पूछते हैं कि क्या 20 साल में 25 साल में क्या सप्लीमेंट लेना जरूरी है हाँ। आप ले सकते हैं आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। ही अच्छा है या और भी कोई सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए सिंपल बायोटिन के ऊपर आप इक्तफा ना कीजिए और मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स है इसकी लेटेस्ट रिसर्च पेपर है अच्छा अगर आपका अच्छा विटामिन कम है तो आप उसको ऑप्टिम लेवल पे लेके आए Okay. तो आप जब लेते हैं तो फिर बालों की हेल्थ वो बहुत अच्छी हो जाती है उसके